जी आदाब नमस्कार, मैं जीनत और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज बेंगाबाद प्रखंड के भोजदिया गांव गांव में, जहां पे हमारे बीच राधा स्वामी संगठन के मेंबर आए हैं बात करने के लिए, हमारे ब्यूरो हेड से मिले जगन्नाथ जी से। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भोजदहा गांव, जहां पर राधा स्वामी संगठन के द्वारा निरंतर, मतलब यूं कहें कि 250 लगभग कोचिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन हो चुका है। आज यहां पर भोजदहा गांव में उद्घाटन के दौरान आप देख पा रहे हैं अनिशा सिन्हा यहां मौजूद हैं और शमीम अख्तर जो गांडे विधानसभा के प्रत्याशी हैं और राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं। बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। टीचर हाजरा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो टीचर हैं, यहाँ की शिक्षिका हैं, जो बच्चों का पठन पाठन कराएंगे। हम लोग आज अधिक जानकारी और ग्राउंड रिपोर्ट आपको बीएनबी दिखाएगी कि राधा स्वामी संगठन ने अब तक कितने कोचिंग सेंटर का उद्घाटन कर दिया और साथ में आगे क्या लक्ष्य है और इससे क्या लोगों को लाभ मिलने वाला है। इतना तो पता चल ही चुका है कि एक तो दीदियां, जो गांव की दीदियां हैं, वो समाज का बेहतर निर्माण के लिए अपने गांव के आसपास के बच्चों, जो निर्धन गरीब बच्चे हैं, उनका पठन पाठन करके एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अधिक जानकारी हम लोग आए हुए अतिथियों से लेंगे और जानकारी लेंगे। यहाँ नंदलाल पांडे जी हैं, जो प्रेरक संघ के यूं कहें कि जिला हेड हुआ करते थे और आज राधा स्वामी संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहे, तो उनसे हम लोग शुभारंभ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे राधा स्वामी संगठन के लिए? राधा स्वामी संगठन साक्षरता में जो बंद हो चुका 2018 में, पुनः उनको शुरू करके पटरी पर लाने का काम किया है। राधा स्वामी संगठन जो पिछड़े हुए लोग जो स्कूल नहीं जा सकते, गरीब गुरबा सुदूर क्षेत्र के लोग जो स्कूल नहीं जा सकते, जो पढ़ नहीं सकते बच्चा, वैसे बच्चा को कोचिंग खुलवा करके और राधा स्वामी संगठन शिक्षा देने की काम कर रहा है। तो देख पा रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ पर दरी और ये भी गिफ्ट यहाँ की जा रही है राधा स्वामी संगठन के द्वारा, ताकि बच्चे इसमें बैठ करके पठन पाठन कर सके। वसीम साहब, दो साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीएनबी न्यूज को। यहाँ आज भोजदहा गाँव में एक बच्चों की फ्री कोचिंग सेंटर जो राधा स्वामी संगठन की ओर से, ये तो पूरे इलाके में, गिरिडीह जिला में, गांडे प्रखंड में, गांडे विधानसभा में खोला जा रहा है हर जगह, मगर आज भोजदहा गांव में देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर राधा स्वामी संगठन की ओर से खोला गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए राधा स्वामी संगठन तत्पर है और लगातार यहां पर बने हुए हैं। हम लोग टीचर से भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि जो पढ़ाएगी, कितने बच्चे अभी आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं? 25-30 बच्चे हैं। कैसा लग रहा है राधा स्वामी संगठन से जुड़ करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बेहतर अच्छा होगा ना जी। क्या नाम है आपका? हाजरा खातून। कौन सा ये क्षेत्र पड़ता है, सेंटर का नाम क्या है? भोजदहा सेंटर है जी। भोजदहा सेंटर, क्या नाम बताई थी आप? हाजरा खातून। हाजरा खातून है, यहाँ की टीचर है, जो बच्चे देख पा रहे हैं छोटे छोटे, ये नोनिहाल, इनका भविष्य राधा स्वामी संगठन ने जिम्मा लिया है पठन पाठन का और आगे बेहतर भविष्य का। यहाँ गांडे विधानसभा के भावी प्रत्याशी हमारे बीच शमीम अख्तर जी मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, इनसे हम लोग जानना चाहेंगे। थोड़ा इधर आ जाइएगा सर, क्या संदेश देना चाहेंगे और कितने? सबसे पहले बीएनबी वाले को धन्यवाद। मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है, और मेरा प्रयास है कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा में आगे किया जाए, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम ये सारा सुविधा उनको दे रहे हैं। फ्री ट्यूशन हो गया और बाकी जो इनकी किताब कॉपी कलम हम लोग मंथली प्रोवाइड करेंगे और क्षेत्र के बच्चों को कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अनिशा सिन्हा जी से हम लोग बात कर लेंगे, लगातार बनी हुई है और खास बात खुशखबरी यह है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से इस बार मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग लगातार जो है क्षेत्र में बने हुए हैं लगभग 15 साल से, और आज फिर जो है बहुत ही खुशी का लहर है कि आज हम गांडे क्षेत्र के भोजदहा गांव में उपस्थित हैं और यहां जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूं कि लोग बहुत ऊँचे जाए, पढ़े लिखे और समाज का नाम जो है रोशन करे। और मैं टीचर जो है यहाँ उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं इनसे यही कामना करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ाए, इनके भविष्य के बारे में सोचे, ताकि संगठन के साथ साथ इस समाज का भी नाम जो है रोशन हो। क्या बात है, संगठन के साथ साथ समाज का भी नाम रोशन हो, जय हो। हम लोग आज ग्राउंड रिपोर्ट आपको बीएनबी दिखाएगी कि अब तक गांडे विधानसभा क्षेत्र में, गिरिडीह पूरे जिले में राधा स्वामी संगठन के द्वारा कोचिंग सेंटर का लगातार निरंतर यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। आज भोजदहा टीम पहुंची हुई है, हम लोग अधिक जानकारी और विशेष विस्तृत जानकारी हम लोग मुकेश कुमार सिन्हा जी से लेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष है राधा स्वामी संगठन से। जी सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। राधा स्वामी संगठन विगत 15 वर्षों से जो है धरातलीय कार्य कर रही है,
और धरातलीय कार्यों के साथ जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो आज तक 70-75 वर्षों में आजादी के उपरांत ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, वो सभी जरूरत को जो है राधा स्वामी संगठन पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। और 15 वर्षों से सिर्फ गांडे विधानसभा की अगर बात की जाए, वैसे हम 18 राज्य में सक्रिय हैं, गांडे विधानसभा क्षेत्र में हजारों बच्चियों को शादी में सहयोग किया गया, सभी बच्चे बच्चियों को जो है शिक्षा में जो है आगे ले जाना, उनके लिए शिक्षा का अलग जगाना, ये हमारा मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। और किसी भी तरह का किसी माताओं पिताओं को जो है तकलीफ ना हो, उनको कमर में बोझ ना पड़े, उनको भविष्य में बच्चे के प्रति कोई परेशानी ना हो, उसके लिए राधा स्वामी संगठन निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं आगे भी करती रहेगी और लगातार कर रही है। आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।